खोड़ स्टेडियम का नाम अब अम्मा महाराज के नाम पर हो आवेदन देकर रखी मांग। आज खोड़ पंचायत भवन में भाजपा मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ग्राम और क्षेत्रवासियों के द्वारा मंडल अध्यक्ष के लेटर पेड पर पंचायत सचिव सुरेंद्र शर्मा को एक आवेदन दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पूर्व खेल और कैबिनेट मंत्री श्रीमत यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा खेल मंत्री रहते हुए खोड़ और क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभाओं को बाहर लाने के उद्देश्य से लगभग 1 करोड़ की राशि से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जिसके फलस्वरूप आज खोड़ और आसपास के क्षेत्र के अनेकों युवा खोड़ स्टेडियम का लाभ लेते हुए अनेक प्रकार के खेल खेलने खोड़ स्टेडियम में आते हैं। इसी क्रम में आज क्षेत्रवासियों के द्वारा एक आवेदन देते हुए खेल स्टेडियम का नाम कैलाश वासी राजमाता विजयराजे सिंधिया स्टेडियम रखने के चलते पंचायत द्वारा प्रस्ताव रखने की मांग, उक्त आवेदन देते समय भाजपा मंडल अध्यक्ष किरण सिंह लोधी, भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी आबिद बख्श, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शीशपाल परिहार, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राहुल भार्गव, कार्यालय मंत्री राजकुमार लोधी आदि कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। खोड़ से आबिद बख्श, पत्रकार की रिपोर्ट।